हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रेथिंग। ओके स्टूडेंट, तो ब्रेथिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जब हम ऑक्सीजन क्या करते हैं, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं। मतलब ऑक्सीजन क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं स्टूडेंट, एक्सहेल करते हैं। तो इसे सिंपली क्या कहते हैं स्टूडेंट, ब्रेथिंग। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है। स्टूडेंट, रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें भी हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। बट इसमें क्या होता है स्टूडेंट, हमें एनर्जी मिलती है। क्या होता है स्टूडेंट, हमें इसमें एनर्जी मिलती है। क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारी ऑक्सीजन जब हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, वो सेल्स के पास जाती है और सेल्स से क्या मिलती है हमें स्टूडेंट्स, एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, एनर्जी स्टूडेंट। अब ये जो एनर्जी होती है स्टूडेंट, वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है एटीपी और एक होती है स्टूडेंट एडीपी। एटीपी का फुल फॉर्म है स्टूडेंट एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी का मतलब होता है स्टूडेंट एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी होती है स्टूडेंट, वो ऐसी एनर्जी होती है जब हमारी बॉडी फंक्शन कर रही होती है, तो उस टाइम पे जो एनर्जी यूज होती है स्टूडेंट, उसे कहते हैं एटीपी एनर्जी। एग्जाम्पल स्टूडेंट, जैसे कि हम वॉक करते हैं, हम रनिंग करते हैं, हमारा हार्ट फंक्शन करता है, हमारे लंग्स फंक्शन करते हैं, तो इस टाइम पे जो एनर्जी चाहिए होती है स्टूडेंट, उसे कहते हैं एटीपी एनर्जी। और एडीपी एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। ये एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट, ये एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी होती है। एक्चुअली हमारी बॉडी क्या करके रखती है, स्टोर्ड करके रखती है एनर्जी को। जैसे हम अपने पास मनी को स्टोर्ड करके रखते हैं ना, ताकि क्या हो, हमारे फ्यूचर में काम आए, ऐसी हमारी बॉडी भी क्या करती है स्टूडेंट, एनर्जी को स्टोर्ड करके रखती है। तो जब हमें इस एनर्जी की जरूरत होती है, फिर बॉडी उस टाइम पे वो एडीपी एनर्जी, एडीपी एनर्जी क्या करती है, यूज करती है स्टूडेंट। कैसे, एग्जांपल जब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जब हम क्या करते हैं, फास्ट रखते हैं, क्या करते हैं, फास्ट रखते हैं स्टूडेंट, तो फास्ट के टाइम पे हमारी बॉडी को फूड नहीं मिलता। फूड नहीं मिलेगा तो क्या नहीं होगा स्टूडेंट, एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो स्टूडेंट उस टाइम पे हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होगी। तो हमारी बॉडी क्या करती है स्टूडेंट, उस एडीपी एनर्जी का यूज करती है। तो उस एडीपी एनर्जी का बेटा कैसे यूज करती है, पहले वो हमारी बॉडी क्या करती है, एडीपी एनर्जी को पहले एटीपी एनर्जी में कन्वर्ट करती है। देन क्या होता है स्टूडेंट, उस एटीपी एनर्जी को हमारी बॉडी यूज करती है। अब क्वेश्चन इज दैट कि स्टूडेंट, कि हमारी बॉडी एनर्जी जब रेस्पिरेशन करती है हमारी बॉडी, तो एनर्जी रिलीज कैसे होती है, तो कैसे होती है स्टूडेंट, चलिए जानते हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं नेसल कैविटी से, अपनी नाक से ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है स्टूडेंट, हमारे लंग्स के अंदर जाती है। फिर हमारे लंग्स से होते हुए वो ऑक्सीजन कहाँ चले जाती है स्टूडेंट, हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। और हमें ये भी पता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना कहाँ जाता है स्टूडेंट, हमारे स्टोमक मतलब हमारे पेट में जाता है। फिर पेट के बाद कहाँ जाता है स्टूडेंट, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे छोटी आंत भी कहते हैं। तो वो फाइनली जो हमारा खाना डाइजेस्ट होता है स्टूडेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर वो जो फूड होता है बच्चे, पाउडर्ड फॉर्म, छोटे छोटे कण उसके बनते हैं, और वो फूड कहाँ चले जाता है, वो भी ब्लड में चले जाता है। अब क्या हुआ स्टूडेंट, हमारे ब्लड के अंदर दो चीजें आ गई। क्या क्या आ गई स्टूडेंट, एक तो आ गया फूड और एक क्या आ गया स्टूडेंट, ऑक्सीजन। तो जब ये फूड प्लस ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर आता है स्टूडेंट, तो ये किसे देते हैं, ब्लड किसे देता है स्टूडेंट, वो देता है सेल को। अब स्टूडेंट आप पूछोगे सेल क्या होता है, तो सेल क्या होता है स्टूडेंट, हमारी बॉडी में जो छोटा से छोटा कण होता है वो सेल होता है। हमारी बॉडी किससे बनी होती है स्टूडेंट, सेल से बनी होती है। जैसे अगर मैं अपनी स्किन पे छोटा सा भी नाखून मारूं स्टूडेंट, तो क्या होते हैं, हमारे नाखून में 100 सेल्स, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स आ सकते हैं स्टूडेंट। तो हमारी जो बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है स्टूडेंट, वो किससे बना हुआ है स्टूडेंट, वो बना हुआ है सेल से, एक छोटा सा कण जो हमारी बॉडी का होता है। तो स्टूडेंट क्या होता है, जो हमारे ब्लड में फूड और ऑक्सीजन था ना, वो किसके पास जाता है स्टूडेंट, सेल के पास जाता है। सेल बोलता है ब्लड भाई थैंक यू,
आप मेरे लिए क्या लेके आए हो? फूड लाए, और क्या लेके आए? ऑक्सीजन लेके आए। तो सेल क्या करता है, उस फूड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? C6H12O6। और ऑक्सीजन भी ब्लड से जाता है, तो जब ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं सेल में स्टूडेंट, तो वो सेल को क्या क्या देते हैं? वो देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या देते हैं स्टूडेंट? वाटर, और क्या देते हैं स्टूडेंट? एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी होती है? ये वही एनर्जी होती है जो मैंने आपको बताई थी, एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और कौन सी होती है स्टूडेंट? एडीपी एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। बताया था ना स्टूडेंट, एटीपी क्या होती है? जो हमारी बॉडी अपने फंक्शंस के लिए यूज करती है। और एडीपी क्या होती है? एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट क्या होती है स्टूडेंट? जो बॉडी में एनर्जी क्या होती है? स्टोर्ड होती है, और जब हमारी बॉडी को नीड होती है तो हमारी बॉडी उसका यूज करती है। तो पता चला स्टूडेंट कि हमारे रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी कैसे रिलीज होती है। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट कि रेस्पिरेशन के क्या क्या टाइप होते हैं। तो स्टूडेंट रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है स्टूडेंट एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। स्टूडेंट एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है स्टूडेंट? ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो। मतलब क्या है स्टूडेंट? जिसमें ऑक्सीजन क्या हो बच्चे? हमारा शामिल हो। जैसे मैंने जो भी अभी आपको प्रोसेस बताया था कि हमारी बॉडी रेस्पिरेशन करती है, मतलब हम ऑक्सीजन लेते हैं, नाक से कहाँ जाती है? लंग से होते हुए सेल्स के पास जाती है। फिर मैंने बताया था स्टूडेंट कि हमारे सेल्स में जो फूड होता है वो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर प्लस में एनर्जी बनाता था ना, तो इसी को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जो मैंने अभी आपको पहले डिटेल में बताया था। ठीक है स्टूडेंट, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती हो रेस्पिरेशन के लिए। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है स्टूडेंट? जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, ऐसा रेस्पिरेशन जो कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो, जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती स्टूडेंट, वो होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, एक्चुअली जब हम भागते हैं या जब हम चलते हैं स्टूडेंट, तो क्या होता है, हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो जिस टाइम पे जब हम सांस ले रहे होते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारे सेल्स के अंदर ग्लूकोज है ना, C6H12O6, वो किसके साथ? वहां पे तो ऑक्सीजन होती नहीं है, तो उसे ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो वो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट? लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड क्या होती है स्टूडेंट? एक्चुअली तुमने देखा होगा ना कि जब रनर्स भागते हैं, ठीक है, जब रनर भागते हैं तो क्या होता है, सडनली उनके मसल्स क्रैम्प आ जाता है, उनके पेन होने लगता है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? क्योंकि भागते टाइम हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती, और ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ग्लूकोज से जो पहले जब हमें ऑक्सीजन मिल रही होती थी तो हमें क्या मिलता था? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती थी ना, बट इस टाइम पे तो हमें ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही, तो हमें क्या मिलता है बच्चे? ग्लूकोज से सीधा लैक्टिक एसिड। तो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है बच्चे? लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, ठीक है ना। जब हम भाग रहे होते हैं, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो हमारी बॉडी में क्या जमा हो जाता है? लैक्टिक एसिड हो जाता है, जिसकी वजह से एक रनर को, एक एथलीट रनर को पेन होने लगता है। ठीक है स्टूडेंट, ये था एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन किस में स्टूडेंट? ये था ह्यूमन बीइंग में। अगर मैं बात करूं एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टूडेंट किस में होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी होता है। कैसे होता है स्टूडेंट? हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम क्या है? यीस्ट। क्या नाम है स्टूडेंट? यीस्ट, YEAST। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है स्टूडेंट? ये ऑक्सीजन की अब्सेंस में क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है।